नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज छठा दिन है और इन छह दिनों में रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है और अब रूस राजधानी कीव की ओर हमलावर है। खबरें आ रही हैं कि हजारों की संख्या में दोनों देशों के सैनिक मारे जा चुके हैं। कल दोनों देशों के बीच बातचीत हुई मगर बेनतीजा रही और इसके बाद रूस अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। यूक्रेन में इस वक्त लगभग 15,000 के करीब भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। अब सबके मन में सवाल है कि रूस आखिर कब ये तबाही रोकेगा और वो चाहता क्या है। इसी को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में नागरिकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर करते हुए फोन पर बात की। इस बारे में जानकारी देते हुए फ्रांसीसी नेता के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि दोनों के बीच फोन पर लगभग 90 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत में उन्होंने रूसी नेता से यूक्रेन में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए कहा है। मैक्रों के साथ बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ मांगे रखी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा कि यूक्रेन समाधान तभी संभव है जब रूस के सुरक्षा हितों पर विचार किया जाए। तो रूस की इन शर्तों में क्या है, आइए जानते हैं। रूस की पहली शर्त, क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता। जी हां, क्रीमिया पर जो कि रूस पर जिसका फिलहाल कब्जा है उस पर रूस अपनी पूरी मान्यता चाहता है। तो रूस की पहली शर्त है क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता जो से दुनिया भर से मिले। रूस की दूसरी शर्त यूक्रेन का विसैन्यकरण यानी डीमिलिट्राइजेशन, विसैन्यकरण यानी कि वहां से पूरी सेना हटा दी जाए। तो रूस की दूसरी शर्त है कि यूक्रेन का विसैन्यकरण हो जाए यानी डीमिलिट्राइजेशन हो जाए और विमुद्रीकरण की भी रूस ने मांग रखी है। रूस ने यूक्रेन के विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की भी मांग रखी है। और रूस की तीसरी मांग है, तीसरी मांग क्या है रूस की, पहली मांग क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, दूसरी मांग यूक्रेन का विसैन्यकरण यानी डीमिलिट्राइजेशन और विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन, और तीसरी मांग है यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना। तो यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन से जो तीन मांगें की गई हैं रूस द्वारा, उन तीन जो शर्त हैं रूस की, उन शर्तों में शामिल है पहली शर्त है क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, दूसरी शर्त है यूक्रेन का विसैन्यकरण यानी डीमिलिट्राइजेशन और विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना। तो ये तीन शर्त रखी गई है रूस की तरफ से और कहा गया है कि जब ये तीनों शर्तें मान ली जाएंगी यूक्रेन की तरफ से तभी यूक्रेन में शांति संभव है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आगे बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि ये समझौता तभी संभव होगा जब रूस के वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त ध्यान में रखा जाए, जिसमें क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेनी राज्य का विसैन्यकरण और नाजी विचारधारा से मुक्ति व इसकी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जब जिक्र किया गया तो उसे लेकर पुतिन ने कहा कि इन देशों को झूठों का साम्राज्य बता दिया गया है। वहीं इस हमले में आज खार्किव में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। बताया गया है कि उसकी जान रूसी बमबारी की वजह से हुई है। इस बीच खबर आई है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जारी ऑपरेशन गंगा के तहत अब काम और भी ज्यादा तेजी से होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। माना जा रहा है कि आज से ही भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। तो बड़ी खबर में फिलहाल यही, बुलेटिन में ये बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हैं रूस और यूक्रेन के आज युद्ध के छठे दिन को लेकर वो हमने बताई। बाकी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें स्काई न्यूज ग्लोबल के साथ और ऐसी खबरों से लगातार अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्काई न्यूज ग्लोबल। नमस्कार।